हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर एक्सरसाइज नंबर सी। तो आपके बुक में जिस भी चैप्टर पे होगा उसका थर्ड एक्सरसाइज ये होगा। अभी देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, ए कॉमा 3A कॉमा 5A एंड सो ऑन। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जिसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोला जाएगा, मतलब शुरुआत के एन टर्म्स का सम। तो पहले तो आप इसके फॉर्मूले को जान लीजिए। राइट साइड में देखिए नीचे फार्मूला रिटन है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं उसको आप पहले से ही जानते हैं। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स है या एंथ टर्म है। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करना है, तो एन के प्लेस पे एन ही पुट कर देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, द गिवन एपी इज ए कॉमा 3A कॉमा 5A एंड सो ऑन। हियर फर्स्ट टर्म ए कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3A माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2A, एंड द सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 2 इंटू ए, सॉरी इंटू 2A है। 2A बोले तो डी की वैल्यू है और एन की वैल्यू एन ही थी, ए की वैल्यू ए ही थी, तो इसीलिए सब कुछ वैसे ही पुट कर दिया गया है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं एन बाई टू सेकेंड लाइन में जब सॉल्व किया गया तो इन ब्रैकेट है 2A प्लस 2A का मल्टीप्लाई n में होगा तो हो जाएगा 2AN, और माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा 2A का तो ये माइनस 2A हो जाएगा। माइनस 2A से प्लस 2A कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली 2AN। 2AN में 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और बचेगा n इंटू AN, और यहाँ से हो जाएगा AN स्क्वायर। हैंस द रिक्वायर्ड सम इज़ AN स्क्वायर। अब ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन था तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है समझने में। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो इसे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाने वाले हैं। बस आपको ये याद रखना है कि फार्मूला क्या है, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू पुटिंग करनी होगी ए एन और डी की। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी वेरिएबल टाइप का है थोड़ा सा, इसको समझ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, और आपको जो एपी गिवन है वो भी नेचुरल नंबर की ही एपी गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू एन। तो इस नेचुरल नंबर के टर्म्स के स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्टार्टिंग के टर्म्स लेने हैं वो फिक्स्ड नहीं है, मतलब 10 नहीं लेना है, 20 नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है, वो नॉट फिक्स्ड टाइप का है। मतलब कि n लेना है कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लेने को बोला जा रहा है। फिलहाल फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का, दैट इज़ a, a इज़ इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस क्या है इस AP का, दैट इज़ 2 माइनस 1 मतलब 1। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन बाई एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। अब देखो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुटिंग करेंगे। n की जगह पे तो n ही पुट कर देना है, तो n बाई टू आ गया, प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे 1 पुट करना था तो 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 1 पुट करना था तो मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हो जाएगा n बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, तो 2 में से माइनस 1 होगा तो ओनली 1 बचेगा, तो यहाँ से हो गया n बाई टू इंटू एन प्लस 1, तो फाइनली आ गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। और इस तरीके से ये जो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है ये स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम है। अब सपोज करो किसी को स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना हो तो वो सीधे डायरेक्टली n के प्लेस पे 10 पुट कर दे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 यानी 10 इंटू 11 बाई 2, और 10 कैंसिल होगा 2 से 5 टाइम्स में
तो आ जाएगा 5 × 11 और 11 × 5 = 55 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग के 100 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग के 25 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग के 50 टर्म्स का सम, बस वहाँ पे एन के प्लेस पे 100, 25, 50 ये सपोर्ट करते जाना है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इफ़ ए एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द ए पी, द ए पी गिवन इज 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a30 - a20। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, a30 - a20 फाइंड करना है। अगर आप a30 - a20 डायरेक्टली भी फाइंड करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। खैर, सॉल्यूशन में द गिवन ए पी इज 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन, है हियर a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। a30 - a20 है तो a30 की क्या वैल्यू होगी, वो होगी a + n - 1 × d से 2 + 30 - 1 × 5 और माइनस अगेन a20 है तो ये भी हो जाएगा a + n - 1 × d से 2 + 20 - 1 × 5। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आएगा 147 और सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आएगा 97, जो फाइनली माइनस होकर आपको 50 दे देने वाला है और हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ 50। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आप खुद भी कर सकते थे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इज इक्वल टू, सॉरी ए पी इज 3n + 5, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, है ना। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए कि आपको nth टर्म गिवन हो, जैसे यहाँ 3n + 5 गिवन है और आपको फाइंड करना हो कॉमन डिफरेंस या कुछ भी फाइंड करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग के टर्म्स फाइंड कर लीजिए। जैसे कि सॉल्यूशन में वी हैव tn इज इक्वल टू 3n + 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 t2 - t1। तो इसके लिए t1 और t2 को फाइंड करना होगा। तो t1 क्या होगा, 3 × 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 8 एंड t2 कितना होगा, 3 × 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 11 और माइनस कर देंगे t2 - t1 तो ये हो जाएगा 11 - 8 दैट इज इक्वल टू 3, हैंस द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ध्यान देने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस इस बार बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि पेपर स्मॉल हो सकता है या स्मॉल क्वेश्चन पे बेस्ड हो सकता है, और वैसे भी जो स्मॉल क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, जैसे 20 MCQ आ जाता है। तो अगर एक बच्चा ठीक ठाक पढ़ने वाला है तो मिनिमम कम से कम उसको 15+ तो करेक्ट करने ही चाहिए, और उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। अब देखिए आपके सामने ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 7 - 4n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो वी हैव tn इज इक्वल टू 7 - 4n और कॉमन डिफरेंस हमेशा ही क्या होता है, वो 2 consecutive terms यानी 2 लगातार आने वाले टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे लिया गया कॉमन डिफरेंस इज t2 - t1 और t2 - t1 करने के लिए पहले आपको दोनों टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो t1 फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे n = 1, तो ये हो जाएगा 7 - 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3 और t2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 × 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 7 - 8 दैट इज इक्वल टू -1 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें करना होता है t2 - t1 दैट इज इक्वल टू -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -4, हैंस द कॉमन डिफरेंस इज -4। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, जिसमें SN पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर एक था, इसी तरीके से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप ट्राई करना और देखना ये खुद से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग के n नेचुरल इवन नंबर्स का सम आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है, द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन टू n। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू तो n ही है, ये सब फाइंड करके जो मेन फार्मूला है SN इज इक्वल टू
एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी उसमें पुट कर देना है, और फाइनली आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा एन इन टू एन प्लस वन। ये आज का आपका होमवर्क है जो सेल्फ से आपको ट्राई करना है। थैंक यू।